द्विघात समीकरण को हल करना। अब हम पाठ के शुरू में विभिन्न परिस्थितियों से बने समीकरण 1, 2 तथा 3 को हल करके उनके चर के मान प्राप्त करेंगे। समीकरण 1, x^2 - 20^2 = 0 को हल करने के लिए इसकी तुलना सर्वसमिका 1^2 - 2^2 = (a^b) कोष्टक बंद, फिर दूसरे कोष्टक में (a^b) कोष्टक बंद से करने पर x^2 - 20^2 = हम लिखेंगे x^-20 और x^-20। चूँकि सर्वसमिका 1^2 - 20^2 = (a^b) और (a^b) होता है, इसका प्रयोग कर हम a के स्थान पर हमने x लिया है और b के स्थान पर 20 लिया है, इसीलिए x^20 और x^-20 = 0 या x^20 = 0 या x^-20 = 0 या x^20 = 0 या x^-20 = 0 या x^20 = 0 या x^-20 = 0। पक्षांतर करेंगे हम (-20) को तो x^20 या x^-20 का पक्षांतर करेंगे तो (-20). चूंकि लंबाई और चौड़ाई ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसीलिए x का मान (-20) नहीं हो सकता। इस संदर्भ में x को आयताकार बगीचे की चौड़ाई माना गया था, अतः आयताकार बगीचे की चौड़ाई 20 मीटर तथा लंबाई 2x = 2×20 = 40 मीटर होगी। समीकरण 2 x^2 - 30x (1000) = 0 में हमें समकोण त्रिभुजाकार क्यारी के शीर्ष लंब व आधार भुजा की लंबाई की माप ज्ञात करनी है। चूंकि समीकरण 2 का बायां भाग एक द्विघाती बहुपद है, इसका गुणनखंडन करेंगे। हमारे पास हम x^2 - 30x के स्थान पर हम लिख सकते हैं 50x - 20x = 1000। अब कहीं 50x - 20x को घटाएंगे तो हमें 30x प्राप्त होता है, और 50 को कहीं (-50) को (-20) से गुणा करेंगे तो हमें (-1000) प्राप्त होगा। इसी तरह इसलिए हमने (-30x) को तोड़कर लिखा है (-50x - 20x). अब हम पहले दो पदों से उभयनिष्ठ निकालेंगे x, तो यहाँ कोष्टक में x^50, और उसी तरह से यहाँ से (-20) को कहीं हम उभयनिष्ठ निकालेंगे तो x^50 = 0। अब दोनों पदों से कहीं हम x^50 को उभयनिष्ठ निकालते हैं तो दूसरे कोष्टक में x^20 = 0 या कोष्टक में x^50 = 0 या कोष्टक में x^20 = 0 या x^50 = 0 या x^20 = 0। 50 का जब हम पक्षांतर करेंगे तो x = (-50) या x = (-20) का पक्षांतर करेंगे तो
20, धन 20 हो जाएगा, जिसमें हम सिर्फ 20 लिखेंगे। तो हमने x का मान प्राप्त किया ऋण 50 या x बराबर 20। अतः समकोण त्रिभुजाकार क्यारी के शीर्ष लंब की लंबाई 20 मीटर अतः लंबाई जो होंगी, अतः समकोण त्रिभुजाकार क्यारी के शीर्ष लंब की लंबाई जो होंगी वह 20 मीटर है। और उसी तरह से आधार भुजा, आधार भुजा की लंबाई बराबर x धन 30 है, तो x के स्थान पर हम जब 20 रखेंगे तो 20 धन 30 बराबर 50 मीटर होनी चाहिए। इसी तरह से समीकरण 3 का गुणन खंडन करके संख्याएं प्राप्त की जा सकती है। नीचे दिए गए उदाहरणों में हम द्विघात समीकरणों का गुणन खंडन कर हल प्राप्त करेंगे।